या सो हाय ऑल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि लाइफ साइकिल मेथड्स विद क्लास कंपोनेंट्स। अब हम देखेंगे विद फंक्शन कंपोनेंट। ओके, सो रिएक्ट एक हुक लेके आया है, यूज इफेक्ट। इसके थ्रू हम सब मोस्ट ऑफ द फंक मीन्स लाइफ साइकिल मेथड कवर करेंगे। एंड फिर हम एक मीन्स एक कंपोनेंट बना के देखें और कैसे यूज करते हैं, फिर क्लीनिंग फेज कैसे करते हैं इसमें। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैसे कंपोनेंट क्या है, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या कौन कौन से हैं इसके। ठीक है, और ये क्लास कंपोनेंट के थ्रू हमने बना के देखा था, ये अनमाउंटिंग के लिए हमने बनाया था। अब मैं सेम चीज़ कैसे कर रहा हूँ फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू। ठीक है, सो फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू जैसे क्या नेम रहेगा, लाइफ साइकिल विद फंक्शन। ओके, सो मैंने नाम थोड़ा मीन्स ऐसा दिया कि ताकि हमको समझ आए। और इसका वही प्रॉप्स कौन सा है, इनिशियल वो जो हमने दिखाया। सो अब हमारे पास यहाँ पर रहेंगे वही काउंट, मीन्स हमको अब स्टेट बनानी पड़ेगी चेक करने के लिए, यूज स्टेट। ओके, और इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी जो हमारे पास प्रॉप्स से आएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम रिटर्न कर लेते हैं सेम चीज को। ठीक है, अब हमको करना है सेट मेथड कौन सेट काउंट वैल्यू। ओके, सेट काउंट में काउंट प्लस वन कर दिया मैंने। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है ना, इसमें मैंने सिंपल किया है, बस एक स्टेटमेंट डाल दी, एक स्टेट बना लिया, उसमें बस एक काउंट और एक फंक्शन हो गया, और ऑन क्लिक पे इसको इंक्रीमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, सो इसमें लिख देता हूँ विद फंक्शन कंपोनेंट। ओके, एंड इसको फिर हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बस एक मैं मैसेज दे देता हूँ कि ये क्या है विथ फंक्शन कंपोनेंट, लाइफ साइकिल मेथड विथ फंक्शन। लाइफ साइकिल मेथड विथ फंक्शन कंपोनेंट। ओके, और यहाँ पर हम यूज कर लेंगे उसको फंक्शन को। एंड इसमें हमको इनिशियल वैल्यू देनी है, वो सपोज हम दे देंगे सेम 0। अब यूआई देखते हैं हम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना सेपरेट कर देता हूँ मैं, ताकि ना डिफरेंट चीज़ें समझ आएँ आपको। मेरा बस टारगेट यही है। ठीक है, ऊपर वाला हो गया विद क्लास कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा विद फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट हमारा काम करने लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना इसको, ठीक है, देखते हैं अभी अभी हम देखेंगे कि यूज इफेक्ट के थ्रू हम कैसे कवर करेंगे चीज़ों को। यूज इफेक्ट, अब मेरे को क्या करना है ना, सिर्फ कंपोनेंट डिड माउंट वाला है, तो यूज इफेक्ट क्या करते हैं, एक हुक है, ये एक फंक्शन एक्सेप्ट करती है। ठीक है, प्लस एक मीन्स यहाँ पर क्या रहता है, एक आर्ग्यूमेंट्स मीन्स हम पास करते हैं इन द एरे कि कब कब हमको ये जो ये इफेक्ट है ना, ये हुक इफेक्ट है, कब कब कॉल करनी है। जैसे मैं पहली बार ओनली वन टाइम कॉल करनी है मुझे, ओनली वन टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एम्प्टी पास कर दूंगा, तो ये ओनली वन टाइम कॉल हो गई, वन टाइम। जैसे हमारा कंपोनेंट ये था ना, कंपोनेंट डिड, अब डिड माउंट वाला, तो ये वन टाइम कॉल होता था। सो सेम चीज़ यहाँ पर होगी। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग लगा दो, वन टाइम यूज इफेक्ट। ओके, सो सपोज आपको यहाँ पर अपडेट करना है, तो आप क्या करो, काउंट प्लस वन कर दो इसको।
ओके सो अभी क्या हुआ, काउंट की वैल्यू 1 हो गई, हो चुकी है। ठीक है, सो ये इसने क्या किया है ना, एक मिनट मैं ऊपर वाला क्ले वो रिमूव कर देता हूँ ताकि ना कन्फ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो इसको ठीक नहीं है। अभी ना मीन्स देखो 1 टाइम कॉल हुआ ये, ठीक है, और इसकी वैल्यू करेगी 1। ओके और एक रहा मीन्स जो ये है ना यूज इफेक्ट हुक है, जो इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या बोलती है ना, देखो रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट है जब मिसिंग डिपेंडेंसी काउंट आइदर इंक्लूड इट और रिमूव द डिपेंडेंसी एरे। यू कैन ऑल्सो डू अ फंक्शन अपडेट कॉम्पोनेंट इफ यू ओनली अपडेट द सेंड कॉम्पोनेंट। ठीक है, सो ये क्या है, ES lint का ना ये मीन्स वार्निंग दे रहा है हमको। ठीक है, तो क्योंकि हमने मीन्स ये अपडेट किया है तो मीन्स हमने ये वैल्यू यूज की है, तो वो चाहता है कि मीन्स हम इसको यहाँ पर दे दें ताकि जब भी मैं अपडेट करूँ इसको तो ये कॉल हो जाए। तो अब हम इसको डिसेबल कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे डिसेबल करते हैं हम, सो हम इस वार्निंग को ना डिसेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। मीन्स हम नेक्स्ट लाइन के जस्ट ये वाला हुक है ना इसकी, जो इसको हम डिसेबल, ये ES lint का है वार्निंग है, ठीक है, तो हमने इसको डिसेबल कर दिया। अब आप चाहते हो नेक्स्ट ये 1 टाइम कॉल हुआ, ठीक है, तो जैसे हम API कॉल करना चाहते हैं, यहाँ पर आप API कॉल कर सकते हो एंड ऑल थिंग्स। ओके एंड सेकेंड वन इज आप यूज इफेक्ट कॉल करना चाहते हो कब, जब काउंट की वैल्यू चेंज हो। ठीक है, सो ये क्या करेगा, यूज इफेक्ट को कॉल करेगा व्हेन काउंट वैल्यू चेंज। सो इसमें क्या होगा ना कि ये हमने काउंट मीन्स ये वैल्यू दे दी है एरे में, जब जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी ये हुक कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट डिड अपडेट पे। ठीक है, सो अगर आप देखोगे जैसे अभी ये कॉल हुआ, अब मैं इसको कॉल करूँगा, पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ क्लियर के लिए। ठीक है, कॉल्ड व्हेन द काउंट वैल्यू चेंज, क्योंकि 2 बार क्यों कॉल हुआ ये, क्योंकि एक बार तो मैं इस खुद का लिया हो गया, काउंट की वैल्यू इनिशियल थी, सेकंड टाइम फिर हमने क्या किया यहाँ पर काउंट की वैल्यू चेंज की, तो वैल्यू चेंज हुई है इसकी। ठीक है, इसलिए 2 टाइम्स कॉल हुआ वो। अब मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो 3 टाइम इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो यूज इफेक्ट की कोई वैल्यू कॉल हो रही है, मीन्स यूज इफेक्ट ये वाला चल रहा है अब, दिस वन दिस टाइम। और आप चाहते हो कि यूज इफेक्ट हमेशा कॉल होता रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम ये प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। अगर आप ये प्रोवाइड इन करोगे तो ये एवरी टाइम कॉल होता रहेगा, जैसे ही कंपोनेंट चेंज होगा या कोई वैल्यू चेंज होगी रेंडर होगा तो ये कॉल होगा ही होगा। ठीक है, जैसे इसको रिफ्रेश करो, ये देखो एवरी टाइम वाला कॉल हो रहा है, तो जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो क्या देखो, एक तो वैल्यू चेंज होने पे और यूज कॉल्ड एवरी टाइम मीन्स एवरी टाइम वाला कॉल हो रहा है, समझ गया। सो ये अगर हम इस पे डिपेंडेंसी नहीं देंगे कि कौन सी वैल्यू पर होगा, तो ये एवरी टाइम कॉल होगा। ठीक है, अब हमको करना है क्लीनिंग फेस वाला, जैसे कंपोनेंट डिड अनमाउंट पे, तो ये क्या करता है ना, रिटर्न में हमसे, सो ये क्या करेगा, रिटर्न में हमसे एक फंक्शन लेगा। और सपोज यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, यूज इफेक्ट क्लीन अप फेस। ओके, इसको क्लीन अप फेस बोल देते हैं, मीन्स यहाँ पर जैसे आपको क्लीन अप करना है कुछ, सेम थिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, कॉम्पोनेंट डिड विल अनमाउंट पे। सो ओके, सो नेक्स्ट फेज हमने देखा कि क्लीन अप फेज में, सो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो 1 टाइम। ओके, तो ये कॉल हुआ, अब मैं इसको, ये क्यों कॉल हुआ, क्योंकि यूज इफेक्ट हमारा सेट स्टेट हो रही है। अब मैं फिर से क्लिक करूँगा,
तो ये क्या करेगा, यूज इफेक्ट का क्लीनर फेस शुरू होएगा, फिर से यूज इफेक्ट क्रिएट करेगा और कॉल हो जाएगा। ठीक है, सो यूज इफेक्ट क्या बोलते हैं ना, क्लीनर फेस में द प्रीवियस इफेक्ट इज क्लीनड अप बिफोर एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट हुक। सो क्या होगा, जैसे आपने ये क्लीनअप दे दिया, ठीक है, तो ये क्या करो, जैसे री रेंडर हुआ, स्टेट चेंज हुई, तो ये क्या करेगा, इसको प्रीवियस वन को डिलीट कर देगा, न्यू वन को क्रिएट कर देगा। तो जैसे आप सेकेंड टाइम करोगे तो प्रीवियस वन डिलीट हो जाएगी, न्यू वन क्रिएट हो जाएगी। सो ये बोलना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। सो प्रीवियस वन क्लीन हो जाएगी, जैसे ये हमने ये वाला यूज किया ना, तो प्रीवियस वन क्लीन हो गया, न्यू वन क्रिएट होगा। ओके, सो अब हमने देख लिया, ठीक है, ये क्लास कंपोनेंट के, अभी हम रिकैप कर लेते हैं एक बार सारा। ये हमने क्लास कंपोनेंट के थ्रू किया, ठीक है, और ये हमने नया फंक्शन बनाया था कंपोनेंट विल अनमाउंट देखने के लिए, और ये है लाइफ साइकिल मेथड विद फंक्शन। बस इसमें प्रॉप्स पास कर ली, ये स्टेट मैनेज कर ली। जब हमको वन टाइम कॉल करना है तो जस्ट इसको हमको एम्प्टी दे देना है, ठीक है, और जब हमको कोई वैल्यू पे चेंज इफेक्ट कॉल करना है तो हमको ये उसमें वैल्यू पास कर देनी, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, ये आप डिसाइड कर लोगे। एंड थर्ड वन इज यूज इफेक्ट, जब आपको एवरी टाइम कॉल करना है तो आप उसको डिपेंडेंसी मत दो, तो ये एवरी टाइम कॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर, और आप कितने मर्जी यूज इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है, जस्ट बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है। हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर रीजन देते हैं कि क्यों आप ये यूज इफेक्ट लिख रहे हो, जैसे वेन काउंट वैल्यू चेंज। सो इससे क्या होगा ना, जैसे कोई न्यू बंदा आया कंपनी में, या फिर कोई और न्यू बंदा डेवलपर है जो इस पे काम करना चाहता है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे, तो उसको पता होना चाहिए कि यार ये यूज इफेक्ट क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। सो जैसे हम इसे लेते हैं एवरी टाइम कॉल, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है मीन्स एक डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है। बस ये पे कॉल हो रहा है, कूल। सो अगेन, अगर आपको कोई डाउट हो तो जस्ट कमेंट में। अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, ठीक है, ये हमने लाइफ साइकिल मेथड देख लिए, अब हम देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है। कंडीशनल रेंडरिंग का मीनिंग होगा कि जैसे इफ एल्स होते हैं ना हमारे, कि अगर ये स्टेट ट्रू हो तो ये कॉल हो जाना चाहिए, ये स्टेट ट्रू हो तो ये कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। तो हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। और एक ये भी रहता है इवेंट हैंडलिंग, आई थिंक ये मैंने बटन क्लिक पे ही आपको बता ही दिया है कि बटन क्लिक पे जैसे कोई फंक्शन कॉल करना हो तो, ठीक है। सो ये मीन्स हम बटन क्लिक तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि कुछ इवेंट एक्शन परफॉर्म करने हो तो बटन क्लिक पे हम ये कर सकते हैं। कंडीशनल एंटरिंग हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि इफ एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं, कि अगर ये ट्रू है तो ये होना चाहिए, ये ट्रू है तो ये होना चाहिए, तो उस टाइप से हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये सब चीज़ें देख लेंगे। ओके, वन बाय वन जाएंगे हम, ठीक है। ओके, थैंक्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।